ड्यूरिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की जो प्रोविजनल आंसर की है वो डाल दी गई है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की जो सीरीज़ है, सीरीज़ ए, उसका ये आपके प्रोविजनल आंसर की आप देख सकते हैं। और आप अपने जो आंसर्स हैं, जो भी आप आंसर्स पुटअप करके आए हैं, उनको मैच कर सकते हैं। तो ये आपका सीरीज़ ए है, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये सीरीज़ बी है, और इसी क्रम में सी और डी को भी उपलब्ध कराया गया है। और माय डियर फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण की भी जो प्रोविजनल आंसर की यहाँ पर डाल दी गई है, सीरीज़ ए, बी, सी और डी इसी क्रम में डाल दी गई है। तो आप इसके भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि दिनांक 3 अप्रैल 2022 को आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के जो प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण की चारों जो सीरीज़ हैं उनकी उत्तर कुंजी प्रोविजनल आंसर की उत्तराखंड लोक सेवा की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित उसको कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न व उत्तर पर कोई आपत्ति है तो आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर अपनी आपत्ति को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 20 अप्रैल 2022 तक दर्ज करा सकते हैं, जिसके सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹50 का प्रति प्रश्न आपत्ति भुगतान करना होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से आपत्ति एवं अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज किए जाने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश संबंधी विस्तृत विज्ञप्ति दिनांक 13 अप्रैल 2022 का अध्ययन अवश्य कर लें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जो भी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, मेरी ऐसी कामना है कि आपका सिलेक्शन अगली क्रम की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसके लिए हो और आप अंतिम रूप से चयनित स्थान प्राप्त करें। मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।